अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि देव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चाक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म का परम रहस्य मुझे बताया, इससे मेरा सम्मोह दूर हो चुका है। हे कमल जैसी आंखों वाले भगवन, भूतों की उत्पत्ति तथा उनके प्रलय के बारे में मैंने आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आपने अपने स्वरूप का जो वर्णन किया वो ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके इस ऐश्वर्य वाले स्वरूपों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है ऐसा आप मानते हो, तो हे योगेश्वर, आप मुझे उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। हे पार्थ, अब तू मेरे विविध प्रकार के भिन्न भिन्न वर्णों वाले तथा अनेकों आकार वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को देख। हे भारत, इन आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा मरुतों को देख। पहले कभी भी नहीं देखे गए ऐसे आश्चर्यों को तू देख। हे अर्जुन, संपूर्ण स्थावर जंगम जगत तथा अन्य भी जो तू देखना चाहता हो वो सब तू यहीं मेरे देह में एक ही जगह में स्थित दृश्य में देख ले। तू तेरे इन चर्म चक्षुओं द्वारा तो मुझे देख ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तू मेरी इस ईश्वरी योग शक्ति के दर्शन कर पाएगा। एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्य
दिव्यमालाम्बराथरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हे राजन्, महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य युक्त स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख तथा अनेक नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों वाले, अनेक दिव्य शस्त्र और आयुधों वाले, दिव्य मालाएं तथा वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य सुगंध का पूरे शरीर में लेपन किए हुए, सर्व आश्चर्यों से युक्त अनंत विश्वतोमुखी विराट परम देव को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् वासस्तस्य महात्मनः। अत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। जब आकाश में सहस्र सूर्यों की प्रभा एक साथ प्रकट हो, तब ही वो कदाचित इस महान आत्मा की कांति के समान हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय इस विविध तथा भिन्न भिन्न होते हुए भी एक संपूर्ण जगत को देवाधिदेव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। इस पर आश्चर्यचकित तथा पुलकित शरीर वाले अर्जुन ने परम देव को श्रद्धा से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि देवांस्तव देवदेह सर्वांस्तथा भूत विशेष संघामि ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् पुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीतिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, विविध भूत समुदायों को तथा कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को, साथ ही संपूर्ण ऋषिगणों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। मैं आपको अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख तथा अनेक नेत्रों वाले एवं अनेक स्वरूप वाले सर्वत्र देखता हूं। हे विश्वरूप, हे विश्व के स्वामी, मैं न तो आपके अंत को देखता हूं, न मध्य को, न ही आदि को। मुकुट, गदा तथा चक्र के धारण करने वाले तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी, अपरिमित कठिनाई से ही दिखाई पड़ने वाले
ऐसे आपके स्वरूप को मैं सर्वत्र देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हूताक्ष वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भिता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। आप ही जानने योग्य, आप ही परम अक्षर हैं, आप ही इस जगत के अंतिम आधार हैं, आप शाश्वत धर्म के अविनाशी संरक्षक तथा सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जिसे आदि अंत तथा मध्य नहीं है, जिसका सामर्थ्य अनंत है, जिनकी भुजाएं अनंत हैं, जिनकी आंखें सूर्य व चंद्र हैं, जिनका मुख एक प्रदीप्त अग्नि है, जो अपने ही तेज अंश से इस विश्व को तेजस्वी बनाते हैं, ऐसे आपको अब मैं देख रहा हूं। हे महात्मन, एक आप ही इस आकाश और पृथ्वी के बीच व्याप्त हैं, संपूर्ण दिशाएं भी आपसे ही भरी हैं, और आपके इस अलौकिक तथा उग्र भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। देवतागण आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार के श्लोकों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा विक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत् ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा द्रुतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे परमेश्वर,
सभी रुद्र, आदित्य तथा वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व तथा यक्ष, असुर तथा सिद्धों के संग, ये सब विस्मित होकर आप ही की ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक मुख तथा नेत्रों वाले, अनेक बाहु जंगा तथा पैरों वाले, अनेक उदर तथा विकराल दाढ़ों वाले इस महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूं। हे व्यापक देव, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों वाले, फैले हुए मुख तथा विशाल नेत्रों से युक्त ऐसे आपको देखकर मैं अति व्यथित हो गया हूं और धैर्य अथवा शांति धारण नहीं कर पाता। हे देवाधिदेव, दाढ़ों के कारण विकराल तथा प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखते ही मुझे भय के कारण दिशाएं जान नहीं पड़ती। हे जगन निवास, मेरे मन का समाधान नहीं होता। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव निपाल संघै भीष्मो द्रोण सूत पुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्ध मुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सौन्द्रश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववरा प्रसीद विघ्नातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मैं ये देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समूह के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण भी तथा हमारी ओर के प्रमुख योद्धाओं के सहित आपके मुख में गति से प्रवेश कर रहे हैं। आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुख में ये सभी वीर प्रवेग से प्रवेश कर रहे हैं और कोई कोई तो आपके दांतों में ऐसे संलग्न हो गए हैं कि उनके उत्तम अंगों को चूर्ण होते मैं देख रहा हूं। जैसे नदियों के जल प्रवाह समुद्र की ओर ही चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर
आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अतिवेग से अपने नाश के लिए ही अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग विनाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, प्रज्वलित मुखों द्वारा आप इन सब लोगों का चारों ओर से ग्रास करते हुए बार बार अपनी जिह्वा चाट रहे हैं। हे भगवन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को तेज से परिपूर्ण कर रही है। हे देववर, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो। उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं ये मुझे बताइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। आपकी इस प्रवृत्ति को मैं जान ही नहीं पाया। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रुते पित्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथेष्ठा युध्यस्वजेता सिरणे सपत्ना एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं लोकों का विनाश करने वाला और वृद्धि युक्त महाकाल हूं। यहां लोकों का संहार करने के लिए तत्पर हुआ हूं। तेरे युद्ध न करने पर भी इस सामने खड़ी सेना में स्थित योद्धा विनाश को प्राप्त होने ही वाले हैं। अतएव हे सर्वसाची अर्जुन, तू ही खड़ा हो, यश की प्राप्ति कर और शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य का उपभोग कर। इन सभी शूरवीरों का मैंने पहले से ही नाश किया है, तू केवल निमित्त रूप बन जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू अब मार। भय की कोई बात नहीं, तू युद्ध कर। इन वैरियों को मारकर तू युद्ध में विजयी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संजय ने कहा, श्री भगवान केशव के ऐसे वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए तथा नमस्कार करके भयभीत और नम्र बनकर श्री भगवान कृष्ण से गदगद वाणी में बोले, स्थाने ऋषि के शतव प्रकीर्त्या जगत प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध
अथ संघा कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च काम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्याश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश ये योग्य ही है कि आपके गुणों का कीर्तन करके जगत प्रसन्न होता है। राक्षस गण तो आपसे भयभीत होकर हर दिशा में भाग दौड़ कर रहे हैं तथा सारा सिद्ध समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है। हे महात्मन, हे अनंत देवाधिदेव, ब्रह्म देव के भी आदिकर्ता, श्रेष्ठ तत्व के आगे वे नम्र क्यों न हों? हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत और असत से भी परे अक्षर तत्व अर्थात परम ब्रह्म है, वो आप ही हैं। आप आदिदेव पुराण पुरुष, इस जगत के परम आधार, ज्ञाता तथा जानने योग्य हैं, परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सर्व जगत व्याप्त है, आपने ही उसे विस्तारित किया है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा प्रजापति ब्रह्मा के भी प्रपितामह हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार, आपके लिए बार बार नमस्कार। हे अनंत वीर, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार हो। अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मैंने आपको मित्र समझकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे प्रेम से या प्रमाद से संबोधित किया है।
हे अच्युत, आहार विहार के समय आसन व भोजनादि में अकेले में या अन्यों के समक्ष भी मैंने आपको इस प्रकार अपमानित किया है, वो सभी अपराधों के लिए हे अनंत स्वरूप मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। हे अनुपम प्रभाव वाले विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरुश्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, तो फिर आपसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहमीशमीद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोधु अदृष्ट पूर्वम् रुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमात्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमितृक् ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे प्रभो, साष्टांग प्रणाम करके मैं आप स्तुति योग्य ईश्वर की प्रार्थना करता हूं कि जैसे पिता पुत्र के, सखा अपने सखा के तथा पति अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराधों को सहन करता है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ति, पहले कभी नहीं देखे गए आपके इस विश्व रूप को देखकर मैं अत्यंत हर्षित हुआ हूं तथा मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। हे देवेश, आप प्रसन्न हो। हे जगन्निवास, आपका प्रथम देव रूप ही मुझे बताएं। हे सहस्रबाहो, हे विश्व स्वरूप, मैं आपको मुकुट एवं गदा धारण किए हुए तथा हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए आप उसी चतुर्भुज रूप में पुनः प्रकट हों। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेरे बिना पहले किसी अन्य ने नहीं देखा हुआ ऐसा मेरा विश्व स्वरूप, जो अत्यंत तेजोमय, अनंत, आद्य तथा श्रेष्ठ है, मैंने प्रसन्न होकर आत्मयोग द्वारा तुझे बताया है। हे कुरुश्रेष्ठ, इस मनुष्य लोक में वेदाभ्यास द्वारा, यज्ञों द्वारा, दान कर्म द्वारा अथवा उग्र तप द्वारा भी तेरे सिवा किसी अन्य से मेरे ऐसे रूप में
कभी मैं नहीं देखा जा सकता। मेरे इस विकराल स्वरूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए या विमूढ़ भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित तथा प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे प्रथम के ही स्वरूप को देख। इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डवः।